हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही चटपटी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम काले चने से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो है कहीं भी आप जाइए, स्ट्रीट फूड में बहुत आसानी से मिलता है और खाने को भी मन हो जाता है। कोई भी देखता है कि चाट बिक रहा है, बड़ा ही ललचाई मन से देखता है। चटपटी चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमने 100 ग्राम चना को रात भर भिगो लिया है, उसे पानी से धो के छान लिया है। अब हम इस चने को प्रेशर कुकर में डालेंगे और चना को डूबने के लायक हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम 1 गिलास पानी डाल दे रहे हैं और इसमें आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे। नमक डालना जरूरी है, तभी जाके ये अंदर तक चना में नमक जाएगा। अब हम ढक्कन लगाते ही इसे चाट भी सिद्ध तक उबाल लेंगे। कुकर को हमने गैस पे ले लिया है, गैस ऑन कर लिया है। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे चाट भी सिद्ध मंगवा देंगे, यानी कि अच्छे से अपने चना उबल जाना चाहिए। हमने चने को चार सीटी मरवा लिया है। अब हम चना निकाल लेंगे। हम देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना चना उबल चुका है। तो हम एक चम्मच की मदद से इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। चलिए, हम चना को एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा चना ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक कटा हुआ प्याज, जिसे हमने एकदम बारीक बारीक कटा है। जैसे कि चाट में हम प्याज काटते हैं, उसी टाइप से ये कटा है। अब हम इसमें गाजर डालेंगे, जिसे हमने बारीक बारीक काट रखा है। हम 2 बड़ा चम्मच ककुम्बर डाल लेंगे, इसे हमने बारीक बारीक काट रखा है। 2 हरी मिर्च को हमने छोटे छोटे काट रखे हैं। 1 टमाटर को हमने छोटा छोटा काट रखा है। तो आपका चना जितना हो उस अनुसार सारे इंग्रेडिएंट्स डालिए। अब हम मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद के अनुसार सफेद नमक, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आपको चटपटा खाना है तो 1 चम्मच डालिए, नहीं तो थोड़ा सा कम कर दीजिए। अब हम सबसे लास्ट में इस पे डालेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पे हम नींबू का रस निचोड़ेंगे। यहाँ पे 1/2 नींबू का रस हमने निचोड़ लिया है। थोड़ा सा हम सरसों का तेल डालेंगे, चाट में सरसों का तेल का फ्लेवर बहुत ही सुंदर आता है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से भून लेंगे। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया ये चना चाट दिख रहा है, जैसा हम जुहू चौक घाटी पे या कहीं लाड़ी पे स्ट्रीट फूड खाते हैं, वहां ये बिकता है। तो आप देख लीजिए कितना बढ़िया अपना चना चाट तैयार हो रहा है। इसमें आप अपने मन पसंद इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं, जैसे कि आम कटा हुआ हो। काले चने चाट में कितने सारे इंग्रेडिएंट डाले हैं और कितना कलरफुल दिख रहा है ये। अब सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें धनिया पत्ता। तो यहाँ पे हम फ्रेश धनिया पत्ता धो के काट लिए हैं, इससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है अपने चाट में। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम फाइनली इसमें डालेंगे सेव। ये वही सेव है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, शेलकन सेव इसे बोलते हैं। इसे हम 1/2 डाल देंगे, 1/2 गार्निशिंग के लिए रखेंगे। सेव से स्वाद और बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो डाइट वाले पड़े हैं और खाने में ये चटपटा भी हो गया। तो इस रेसिपी को आप अपने डाइट चार्ट में भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। चलिए, हम सेव से गार्निशिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना चार्ट बना है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
कमेंट करना मत भूलिए।